खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। यूपीए का जो समझौता था कि जब आप कॉन्ट्रैक्ट पे हस्ताक्षर करोगे तो 11 साल लगेंगे सप्लाई करने में, 11 साल की जानकारी होती तो आज ये तर्क ना दिया जाता कि 2016 में हुआ, 18 तक क्यों नहीं आए 2 साल में। गरीबी को हटाने के लिए कोई साधन दिए जाएं वो भी उनका इतिहास नहीं, योजनाओं के नाम पर छल कपट रहा। अध्यक्ष जी, आपके कहने के बाद भी मुझे लगता है कि शायद यूरो फाइटर की याद में ये हवाई जहाज चलाए जा रहे हैं। बयानों की ये वही तीर हैं जिसकी वजह से अरुण जेटली को सरकार का संकट मोचक कहा जाता रहा। मुद्दा किसी भी मंत्रालय से जुड़ा हो, लेकिन जब बात सरकार पर संकट की आती थी तो जेटली सामने आकर मुकाबला करते थे। सरकार पर उठने वाले तमाम सवालों का ठोस दलीलों के साथ जवाब देते थे। जेटली का ये जवाब न सिर्फ मीडिया के सामने होता था बल्कि संसद में भी वो अपने बयानों से विपक्ष को लाजवाब कर देते थे। बात ज्यादा पुरानी नहीं है, इसी साल जनवरी में राफेल सौदे पर बहस के दौरान राहुल गांधी ने एक टेप को लोकसभा में सुनाने की इजाजत मांगी तो जेटली ने ऐसा बाउंसर फेंका कि राहुल टेप नहीं सुना पाए। मैं बिना इस बात के इसको यकीनन कह सकता हूं, बिना किसी खंडन के डर से, कि बेसिक एयरक्राफ्ट का दाम 2016 की तारीख में यूपीए के दाम से 9% सस्ता था। ये ऑफसेट क्या होता है ये मुझे खेद है कि कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष को ऑफसेट की जानकारी नहीं है ये क्या होता है। ये तो महज एक उदाहरण है, ऐसे कितने मौके आए जब जेटली सरकार के लिए ट्रबल शूटर बने। सीबीआई के पूर्व डायरेक्टर आलोक वर्मा को हटाने के बाद जब विवाद बढ़ा तो सरकार को जेटली की ही मदद लेनी पड़ी। प्रशासन और कानून की अच्छी समझ की वजह से जेटली अपनी दलीलों से सरकार का पूरा बचाव करते थे। तो सीबीआई के दो बड़े अधिकारी, सबसे बड़े अधिकारी जो हैं, उन दोनों पे आरोप है। अब इसकी जांच कौन करेगा? द रिक्वायरमेंट्स ऑफ फेयरनेस एंड फेयर प्ले हैव टू बी देयर। ये सरकार के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, सरकार उसकी जांच नहीं कर सकती और न करेगी। सीबीआई का जो एक्ट है उस कानून के तहत सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के पावर्स अधिकार है। दरअसल अरुण जेटली वो शख्स रहे जो दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी के मिस्टर भरोसेमंद माने जाते थे, और अरुण जेटली ने यह भरोसा पिछले 5 साल में हासिल नहीं किया बल्कि नरेंद्र मोदी के गुजरात का मुख्यमंत्री रहते ही वो उनके सबसे खास लोगों में शुमार हो गए। 2002 में गुजरात दंगों के बाद अरुण जेटली नरेंद्र मोदी के समर्थन में खड़े हो गए। कहा जाता है कि उस वक्त जब केंद्र सरकार में मोदी का विरोध हो रहा था और कार्रवाई की चर्चा हो रही थी तब जेटली ने आडवाणी को ऐसा करने से रोकने का अनुरोध किया था। इसके बाद भी वक्त वक्त पर अरुण जेटली न सिर्फ नरेंद्र मोदी बल्कि बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का हर मौके पर साथ देते रहे। कानूनी मदद मुहैया कराने से लेकर मोदी और शाह के पक्ष में बयान देने में भी जेटली पीछे नहीं रहे। सोहराबुद्दीन शेख एनकाउंटर, इशरत जहां एनकाउंटर और हरेन पंड्या केस में अरुण जेटली गुजरात सरकार का बचाव करते रहे। 27 सितंबर 2013 को अरुण जेटली ने तत्कालीन पीएम मनमोहन सिंह को एक चिट्ठी भी लिखी थी। इस चिट्ठी में जेटली ने यूपीए सरकार पर जांच एजेंसियों का दुरुपयोग, नरेंद्र मोदी और अमित शाह को फंसाने का आरोप लगाया था। 2014 का चुनाव जीतने के बाद मोदी जब प्रधानमंत्री बने तो वो दिल्ली के लिए बाहरी की तरह थे। दिल्ली के लुटियंस जोन को समझने में अरुण जेटली पीएम मोदी के सबसे बड़े मददगार बने। यही वजह है कि अमृतसर से लोकसभा का चुनाव हार जाने के बाद भी उन्हें वित्त जैसा भारी भरकम मंत्रालय सौंपा गया। मैं अरुण जेटली ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। शुरुआत में तो अरुण जेटली रक्षा मंत्री भी रहे, यानी एक साथ नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक में जेटली की मौजूदगी रही। ये अरुण जेटली के ऊपर मोदी के भरोसे का सबसे बड़ा सबूत था। मोदी सरकार के दौरान अर्थव्यवस्था को लेकर बार बार सवाल उठते रहे। विपक्षी नहीं बल्कि सुब्रमण्यम स्वामी जैसे पार्टी के नेता भी अरुण जेटली के खिलाफ लगातार मोर्चा खोले रहे, लेकिन इसके बावजूद मोदी के भरोसे की वजह से जेटली वित्त मंत्री बने रहे। जीएसटी और नोटबंदी के फैसले जेटली के वित्त मंत्री रहते ही मोदी सरकार ने लिए। जीएसटी को लागू करना अरुण जेटली की सबसे बड़ी कामयाबियों में शुमार किया जाएगा।
पहली जुलाई से जीएसटी की टैक्सेशन व्यवस्था देश में लागू हो जाएगी और इसलिए जो 30 जून और पहली जुलाई के बीच में मध्य रात्रि मिडनाइट होगा 12 बजे उससे स्विच ओवर होगा। सिर्फ सरकारी नहीं बल्कि पार्टी को चलाने में भी अरुण जेटली, नरेंद्र मोदी और अमित शाह के ट्रबल शूटर बने रहे। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले जब लग रहा था कि बिहार में रामविलास पासवान की पार्टी एनडीए से अलग हो जाएगी तो उन्होंने खुद रामविलास पासवान से बात कर गठबंधन का संकट दूर किया। आधिकारिक तौर पर भले ही राजनाथ सिंह को सरकार में नंबर दो कहा जाता था लेकिन सरकार के फैसलों पर असर के मामले में जेटली राजनाथ से आगे थे। बीमार होने के बाद अरुण जेटली पिछले कुछ समय से मीडिया के सामने आने के बदले ज्यादातर अपने ब्लॉग के जरिए विपक्ष पर निशाना साधते थे।